सियासत ना बहुत भारी पड़ेगी सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक मिनट आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नहीं आपने, आप शांत हो जाइए सर, मैं उठ के चला जाता हूं। आप इतनी दिक्कत हो रही है, हर डिबेट से उठ के चले जाते हैं ना, आप हर डिबेट से उठ के चले जाते हैं ना सर, आप में एजेंडा लेके। अच्छा मैं अभी तो आपको, मैं और मेरे पास तो बहुत फैक्ट्स हैं सर, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही थी, मैं तो आपको। अरे आप कौन होते मुझे सवाल, मैं किससे पूछूं, आप कैसे जा सकते हैं सर, आप बैठिए मैं आपको बताती हूँ ना, मेरे पास बहुत से फैक्ट्स हैं, आप बैठिए ना, आप बैठिए ना, आप बैठिए सर, आप बैठिए, आप एजेंडा चलाइए, हम नहीं बैठेंगे। हिम्मत है तो बैठिए, मेरे अंदर हिम्मत है लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है भाजपा से एक सवाल पूछने। आप भाजपा से एक सवाल नहीं पूछ सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बैठ जाइए, आप पूछिए ना सवाल से, एक सवाल नहीं पूछ सकते, ये रिक्वेस्ट का तरीका नहीं है, ये भाजपा की भाषा है सर, बैठ जाइए, भाजपा की भाषा। अरे सर आप मेरे पे कितना आरोप लगाएंगे, मैं चार बार आरोप लगाऊंगा, आप मेरे पे क्यों आरोप लगा रहे हैं, मुझे क्योंकि आप भाजपा की मुखपत्र की तरह बात कर नहीं रहे, आप एजेंडा लेके चलिए चलिए चलिए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, सर बैठ जाइए। आपके अंदर भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इसलिए नहीं बैठेंगे। क्या क्या चाहते हैं, नहीं पूछ सकते आप। अच्छा आप बैठ जाइए, मनीष आपने कहा अभी कि वहां पर हनी ट्रैप है, भाजपा से सवाल पूछिए, नहीं पूछ सकते आप, बैठ जाइए सर। नहीं आप पूछिए, मैं जा रहा हूँ। अरे बैठिए तो, अरे बैठिए तो सही सर, आप डिबेट करेंगे कैसे, आप हर डिबेट से चले जाएंगे तो कैसे, आप अपना पक्ष ही नहीं रखना चाहते, आप हर शो में आप हर गेस्ट के बीच में बोलेंगे सर, आप बैठेंगे तो जवाब सवाल होगा ना, बैठेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अरे सर आप मेरे पे हमेशा आरोप लगाइए और आप लगाते रहिए, चलिए आपकी ये बात भी मैंने सुन ली। खैर आगे मैं बढ़ती हूँ सर, वार्ष्णेय साहब के पास मैं आऊंगी, वार्ष्णेय साहब से मेरी बात करवाइए। सर मुझे ये बताइए, हिंदू पाकिस्तान, जी हाँ हिंदू पाकिस्तान का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि अगर 2019 के चुनाव में बीजेपी दोबारा चुनकर आती है तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, बीजेपी नया संविधान बनाएगी, अल्पसंख्यकों से समानता वाले अधिकार छीन लिए जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस 2019 के चुनाव से पहले मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। गुजरात और कर्नाटक चुनाव में मंदिरों और मठों में जाने वाले राहुल गांधी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वो तो मस्जिदों और चर्च में भी जाते हैं, लेकिन मीडिया वाले केवल उनके मंदिरों में जाने की ही तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसे में बताना तो पड़ेगा, मैं आज हमारा सवाल है, क्या वोट के लिए डर का माहौल बना रही है कांग्रेस? ऐसे सवालों के साथ मेहमानों के साथ चर्चा करें, मेहमानों से भी मिलवाऊं, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। 2019 के चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि 2019 में अगर बीजेपी जीती तो देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। थरूर ने कहा कि बीजेपी भारत के संविधान को फाड़कर नया संविधान लिखेगी जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए समानता का अधिकार नहीं होगा। And that will be a new one that will enshrine the principle of a Hindu Rashtra, that will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. बीजेपी को शशि थरूर का ये बयान बेहद नागवार गुजरा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम किया है, हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस की फितरत में शामिल है। शशि थरूर जी आप पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करना चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करिए, मगर हिंदुस्तान की नागरिकों के प्रति नफरत यह उचित नहीं है। एक तो मुझे समझ में नहीं आती ये हिंदू पाकिस्तान क्या है, कि प्रधानमंत्री उससे पूछना चाहिए कि कुछ हमें इलाज करने के लिए कुछ मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए कुछ व्यवस्था करे। शशि थरूर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राहुल गांधी मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 और 11 जुलाई को राहुल गांधी ने दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर सफाई भी दी। मंदिर दर्शन के सवाल पर राहुल ने कहा कि वो मस्जिद और चर्च भी गए, लेकिन मीडिया ने उसे नहीं दिखाया। कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन एनसीपी को शशि थरूर के बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता। इतना कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने नेता हो, बड़ा छोटा कार्यकर्ता जो भी हो, समझ के ध्यान से और कांग्रेस के इतिहास को ध्यान जहन में रख के बयान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जनता ने चुन के लाने की गलती की तो भारत में भी पाकिस्तान जैसी परिस्थिति हो सकती है, इसका मतलब गलत इसको आप इंटरप्रेट करेंगे। साफ है कि कांग्रेस 2019 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को अपने पाले में एकजुट करना चाहती है।
वो मुस्लिमों में बीजेपी का डर पैदा करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 2019 के लिए राहुल गांधी ने उतार दी है जनेऊ, और क्या मुसलमानों को डराकर 2019 का चुनाव जीतेगी कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, जीमी। आने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि शशि थरूर जी ने आखिर ये क्या सोच समझ के कह दिया। आलोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सर, मुझे समझा दीजिए, 2014 के चुनाव से पहले हिंदू आतंकवाद और 2019 के पहले हिंदू पाकिस्तान पर उतर गई कांग्रेस। देखिए, मैं समझता हूं कि भारत की तुलना कभी भी पाकिस्तान से किसी भी रूप में नहीं की जा सकती है, और हिंदुस्तान जो है उसका लोकतंत्र, उसका संविधान इतना मजबूत है कि उसमें कहीं पर भी किसी भी कोई भी व्यक्ति उसके अंदर चोट नहीं पहुंचा सकता है। जहां तक बयान की बात है, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुई सरकार है उसको उसके पीछे छुपने का मौका मिलता है। जहां तक बात उनके वक्तव्य की है कि जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया उसके अगर भाव को आप समझें तो जैसे हालात पिछले 4 वर्षों में देश के अंदर हुए हैं, मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ रही है, 119 वारदातें मॉब लिंचिंग की मात्र हुई हैं, पिछले 2 महीने के अंदर 33 वारदातें बच्चा चोरी को लेकर हुई हैं, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करके और जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आकर कहना पड़ रहा है कि हमें न्याय चाहिए, उस पक्ष को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आज जैसे हालात हो रहे हैं, उस पक्ष के सामने क्या हिंदू पाकिस्तान ठीक है? नहीं, मैं देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदू पाकिस्तान शब्द कहना और पाकिस्तान के साथ तुलना करना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दूर, इसको बिल्कुल किसी भी रूप में नहीं मान रही है। लेकिन मुझे बताइए कि मोदी साहब ने 2013 में कहा कि हिंदुस्तान की आर्मी कमजोर है, क्या बीजेपी उसको सहमत है? जिस तरह से प्रशांत जी ने कहा, अभी जो इनके एमएलसी हैं महाराष्ट्र से, जो वक्तव्य उन्होंने आर्मी के लिए दिया, क्या बीजेपी उससे संतुष्ट है? हराम जादे जिन लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या बीजेपी उनसे पूरी तरह से संतुष्ट है? किसी से भी सवाल पूछ लीजिए। हिंदू पाकिस्तान के बयान पर कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं अगर इन तमाम जो चीजें मैं गिनवा रहा हूं, अगर इन पर बीजेपी माफी मांगती है तब उसके बाद सवाल उठना चाहिए। राजेंद्र त्रिवेदी अभी कह रहे हैं, जो इनके माधुरी जी एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा, राजेंद्र त्रिवेदी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ओबीसी थे, जयंत सिन्हा ने और गिरिराज जी ने जो किया, क्या उसके ऊपर बीजेपी माफी मांगेगी? 2 दिन पहले यूपी के एक एमएलए ने कहा कि ऊपर से प्रभु राम भी अगर उतर कर आ जाए। मैडम एक मिनट, एक एमएलए कह रहे हैं कि अगर प्रभु राम भी नीचे उतर कर आ जाए तो रेप नहीं रुक सकते हैं, क्या मोदी जी माफी मांगेंगे? अमित शाह जी ने कहा कि आईएसआई जो जांच कर रहे हैं, आपकी बात ओवरऑल समझ में आ गई? पूरी बात कह रहा हूँ कि आईएसआई अगर जांच करे तो मास्टर स्ट्रोक है। दिनेश बाशने, सर आप सही मानते हैं सर इसे, हिंदू पाकिस्तान? चलिए, दिनेश बाशने साहब मेरे साथ जुड़े हैं, उससे बीच में मैं केके शर्मा साहब आपसे, सर जवाब दीजिए मुझे इसका, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति को कब बंद किया जाएगा? और मैं माधुरी जी अपने इस डिबेट के पहले एक निवेदन करूं, आलोक जी ने बिल्कुल कोई डिस्टर्ब किसी ने नहीं किया, मुझे भी कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज़, और मैं अपनी बात रखूं। देखिए, मैं हमने कल ही कहा था कि जो राहुल गांधी ये तथाकथित बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं ये एक पूरी तरह से षड्यंत्र है, इसके अंदर एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, और ये षड्यंत्र देखिए किस तरह से सामने, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके 15 मिनट बाद ये षड्यंत्र सामने आया, और ये षड्यंत्र की शुरुआत इसके पहले कांग्रेस के कर्नाटक के एक मंत्री जो पूरे देश में सरिया, सारे जिलों में सरिया कानून बनाने की बात करके उन्होंने प्रारंभ की थी, फिर मुस्लिम तथाकथित बुद्धिजीवियों से मिलने, जो वामपंथी बुद्धिजीवी थे उनसे मिलने की बात हुई, और फिर उसके बाद इस तरह का हिंदू राष्ट्र का जो बयान आया ये बयान है, और आज हामिद अंसारी जी का जो बयान आया है फिर सरिया कोर्ट के संदर्भ में। तो आप ये पूरा एक लिंक है, ये सोचा समझा है, इसमें कहीं कोई ये कांग्रेस आज ये जो कह रही है कि ये साहब हम इससे वाकिफ नहीं है, हम इनसे को वो समर्थन नहीं करते, सच्चाई ये है कि ये पूरा सब कुछ राहुल गांधी का स्क्रिप्ट है, राहुल गांधी के कहने पर कहा गया है, क्योंकि शशि थरूर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, शशि थरूर इनके पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, इनके बुद्धिजीवी सेल के प्रमुख हैं और राहुल गांधी के सलाहकार हैं, इसलिए ये इस बयान से ये मुंह नहीं मोड़ सकते, और किस किस से मुंह मोड़ेंगे मुझे जरा ये बताएं, क्या ये राहुल गांधी के उस बयान से मुंह मोड़ेंगे? उस बयान से माफी मांगेंगे जिसमें उन्होंने एक अमेरिका के राजदूत से कहा कि मुझे जो है मुस्लिम आतंकवाद से उतना डर नहीं जितना हिंदू आतंकवादियों से डर है इस देश को, ये बात, ये बयान
राहुल गांधी का बयान है, झूठ है बयान। हिंदू आतंकवाद का झूठ बयान, हिंदू आतंकवाद का जो टर्म है इनके गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने पैदा किया, सिंधे जी ने उसको आगे बढ़ाया और हिंदू टेररिज्म शब्द ये लेकर आए और आज उसको हिंदू पाकिस्तान वर्ड देकर एक नया टर्म देने की कोशिश किया है। ये देश के अंदर ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है और ये तो ध्रुवीकरण करके ये जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मुझे, अरे कांग्रेसी मित्रों हम आपसे कहना चाहते हैं आप हमारे भाजपा का विरोध कीजिए, आप हमारे मोदी जी का विरोध, नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन कम से कम देश के साथ गद्दारी तो मत कीजिए, देश को गद्दार, देश के देशद्रोहिता कीजिए। पाकिस्तान को 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने ऊपर, अपनी बिल्डिंग के ऊपर कहना चाहता हूँ, शशि थरूर कोई सामान्य व्यक्ति, आपको लगता है शशि थरूर ने देशद्रोही का काम किया तो भारत को बदनाम करने की कोशिश इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, जिसको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप लोग पकौड़े तल रहे हैं, अगर विदेशी ताकतों का एक मिनट माधुरी जी, बहुत बड़ा अपमान है मुझे केवल ये बयान नहीं, अगर बयान है और अपमान है तो केस क्यों नहीं रजिस्टर करते हैं? यहाँ बैठकर पकौड़े चल रहे हैं क्या आप लोग? एक मिनट ना आरबीएस मनी साहब, सर मुझे बताइए 2014 के टाइम उस वक्त आप तो मतलब उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट के एक्स अंडर सेक्रेटरी होम रहे हैं आप, मुझे बताइए सर कि जब हिंदू आतंकवाद की बात निकली थी उस वक्त परिस्थितियां कैसी थी, क्योंकि फिर से वो जिन बार आ गया, चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति करनी हो तो आप इस तरह का कोई शब्द उठा दीजिए, उछाल दीजिए, डरा दीजिए, माहौल बना दीजिए। और ऐसा ऐसा है, मैं बिल्कुल सटीक, मैं तत्वों के आधार पर बात करता हूं, मैं ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं करता, और बाकी सारे पैनल से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वो सभ्य हैं तो मुझे बीच में ना टोके। इस संदर्भ में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जब भी ये पीछे हिंदू आतंकवाद जो भ्रम फैलाया गया था, भ्रम, इसके ऊपर मैंने विस्तार तरीके से किताब लिखी है, किताब सारी दुनिया में अवेलेबल है, बहुत अच्छी बिक रही है, आज तक किसी कांग्रेस वाले ने ऑन मेरिट किसी तत्व को रिपुडिएट नहीं किया है, पहली बात ये। नंबर टू, प्लीज नंबर टू, हिंदू पाकिस्तान का जो शब्द है, आप देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ इंसिडेंट्स बताए थे, ABCD 4-5 इंसिडेंट, इसके अलावा एक और इंसिडेंट है कि आज हमीद अंसारी का इंटरव्यू भी आया कि दिस इज़ नॉट ए इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के कई चीज़ें आ रही है। तो ये एक पैटर्न देखेंगे, ऊपर से UNHCR का रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट को उठा के इनके गुलाम नबी आजाद जी कहते हैं, रिपोर्ट पर कोई बयान नहीं दिया, मणि साहब आप झूठ नहीं बोले, सिविलियंस को तो मिलिटेंट रिपोर्ट के ऊपर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया था, तरीके से बोले आंदोलन करते मणि साहब, आप बीजेपी का मुखपत्र नहीं बने, अपनी किताब को बेचने के लिए नहीं बैठे आलोक जी, एक मिनट, जो जो आदमी सच बोले वो बीजेपी के खिलाफ सच बोल रहा है, सारे भाजपा ही है, अरे आप ऐसे नहीं सच बोल रहे, सब भाजपा ही है, आपसे मैंने पूछा सबसे बड़ा अपमान है, आपको दिक्कत होने में चला जाता, मैं कह रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब का एक स्टेटमेंट है, गद्दारी की भाषा बोलेंगे और धमकियां भी देंगे मीडिया को, मीडिया को धमकी भी देंगे, मीडिया का क्या हाल हो गया, बीजेपी गद्दारी में बैठा हुआ है, और जी न्यूज पर बैठकर मीडिया की बात मत कीजिए, मुद्दे की बात यही है, यही है, माधुरी जी आप बहुत पर्सनल बातें करते हैं आलोक जी, दैट इज वेरी रॉन्ग, पूरा देश जान रहा है, दैट इज वेरी रॉन्ग, मुझे केवल वेरी रॉन्ग, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात, आप सुननी पड़ेगी आपको, आप कैसे आप मेरे चैनल पर बात करेंगे, आप मेरे चैनल की बात करेंगे, बता दीजिए आप मेरे चैनल के बारे में बोल रहे हैं, नेशंस के बारे में गुलाम नबी आजाद की कोई स्टेटमेंट अगर है तो उसको दिखाएं मुझे, या मणि साहब से कहिए माफी मांगे, इसका है या तो PCR मुझे अभी स्टेटमेंट दिखाए या मनीष साहब माफी मांगे, मनीष साहब प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस सर, नहीं मनवाएंगे माफी आप, मैं नहीं मांगूंगा, हिम्मत ही नहीं है, तुम असभ्य हो गए, PCR दिखाए, अरे राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, गुलाम नबी आजाद ने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पर अगर एक शब्द बोला हो तो दिखाए, नहीं तो मनीष साहब उठकर चले जाए, थोड़ी सी भी शर्म है तो इनमें, नहीं उन्होंने कहा भाजपा की तरह सब झूठ बोले चले जा रहे, तत्व को उठा के इन्होंने बोला था, बताइए ना मुझे
की रिपोर्ट पर एक शब्द उन्होंने बोला हो तो आप दिखाइए नहीं, उठ के चले जाइए। हिम्मत है? नहीं बोला। हिम्मत है? अरे भाई वो नहीं बोला। हिम्मत है? नहीं है। अरे ना जी हिम्मत है पीसीआर में। हिम्मत है? मैं क्या कहता हूँ, सुनिए पहले मानी साहब प्लीज सर कंप्लीट योर सेंटेंस सर। आलोक जी ये आप नहीं कर सकते। देखिए देखिए बात सुनिए, आप सुनिए तो सही। पूरा हिम्मत है कहा अगर एक स्टेटमेंट उनका यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पे आपका पीसीआर दिखा दे कि यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट को उन्होंने खारिज किया नहीं तो मणि जी उठकर चले जाए। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो पूरी कर, झूठ बोलते रहते हैं सब बैठ कर। बात पूरी करने दो, बात पूरी नहीं करने दो। आपके पास झूठ बोला आपने, मैंने रोका। आप माफी मांगिए मणि साहब, मैं झूठ नहीं बोला। राम नबी आजाद पहले माफी मांगो सुशील थरूर के लिए, एक भी शशि थरूर के लिए माफी मांगो, पहले माफी मांगो, माफी मांगो इस देश से काफी मांगो। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, चलते झूठ नहीं बोलता। प्रोस्परो देश को पाकिस्तान समझ रखा है आपने, देश को पाकिस्तान समझ रखा है, देश को बरगला दीजिए बस। कोई भी झूठ देश को पाकिस्तान समझ रखा है, देश को बरगलाने के लिए तो हिंदू मुझे मुझे अभी दिखाइए। गुलाम नबी आजाद ने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के लिए अगर एक शब्द बोला तो रुके, नहीं तो मणि साहब चले जाओ। झूठ नहीं बोले हैं बैठ रहता हूँ सर। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं सर, समर्थन करते हैं इसका, हिंदू आरोप लगाता हूँ मैं, मेरा एक आरोप है। देखे माधुरी, माधुरी इस बात को एक मेरा माधुरी मेरी बात तो पूरी करने दे। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कोई बात सर, नहीं आ रही हूँ सर, एक मिनट में आ रही हूँ सर, बहुत झूठ बोल रहे हैं सर, मैं एक मिनट में आ रही हूँ सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप झूठ बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन पर झूठ बोल रहा है, आजाद जी की कोई स्टेटमेंट नहीं, और अगर है तो पीसीआर दिखाए या आप उठ के चले जाए। गुलाम नबी आजाद बात सुनिए, बात सुनिए, मेरी बात कंप्लीट तो होने नहीं दिया। नहीं नहीं आप झूठ बोलेंगे बिल्कुल नहीं, वो केवल डिवेल कर रहे हैं। नहीं नहीं माधुरी जी ऐसा नहीं है, वो डिवेल कर रहे हैं पूरी तरह से, डिवेल चले जाए। आप क्या बात कर रहे हैं सर? अरे मैं आरोप लगाता हूँ, मैं आरोप लगाता हूँ, मेरे पीछे भी आरोप लगा कि कई राजनेता आईएसआई के पैरों पे, शशि थरूर का ये बात ये प्रमाण है कि ये भी पैरों पे बदनाम करने के लिए कई लोग की तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है आप लोगों का, मेरे पास नहीं, मैं मुझे बदनाम करने कुछ नहीं लेना, मुझे कांग्रेस के अलावा कोई मकसद ही नहीं आप जैसे लोगों का। ये आरोप है नहीं देंगे वो जी, मेरा कोई स्ट्रेटजी बना के आई है, आप सारे चैनल में यही कर रहे हैं, मीडिया को गाली दे रहे हैं, मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, चैनल को नहीं बोल रहे हैं। जो मर्जी निराधार कुछ नहीं बोलता सर, मैं दूसरे गेस्ट के पास आ रही हूँ। अतीकुर रहमान सर, झूठ बोला अतीकुर रहमान साहब सर, मुझे बता दीजिए इससे क्या डर का माहौल पैदा हो रहा है और उससे उससे कांग्रेस को जीतने की रणनीति नजर आ रही है? जी माधुरी जी देखिए, एक मैं मामूली रिसर्चर हूं, आपके बड़े विद्वान दूसरे पैनलिस्ट हैं, मैं रिसर्च के बिना पे जो बात शशि थरूर जी ने कल कही है ये हम पिछले 2 साल से बीजेपी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरल जिया ने काम पाकिस्तान में किया था 1980 में, वही काम बीजेपी पिछले 3-4 सालों से करने की कोशिश कर रही है, ये हम समझा रहे थे। देखिए हिंदू पाकिस्तान का मतलब ये आप नहीं लिटरली नहीं लीजिए, इसका मतलब ये है कि हम बचाना चाहते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं। जाकिर नायक के साथ बचाओगे? जाकिर नायक के समर्थन करने वाले आप बताओगे देश को? समझ में नहीं आएगी, आप बताओगे देश को? बात पूरी हो समर्थन करने वाले, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप बताइए इस देश को दीजिए। ठीक है साहब, आप ही बोल लीजिए, मैं खामोश रहता हूँ। बस में बैठा हुआ आने लग रहा है। नहीं आज आपकी जबान बंद होगी, कल है ना, ये चार्जेस को डाइल्यूट कर दिया है आप लोग। एक मिनट एक मिनट, अतीकुर रहमान मुझे बताइए, पहले हिंदू आतंकवाद, अब हिंदू पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि ये देश के साथ अपमान है? ऐसे बयानों से बचना चाहिए, एक जिम्मेदार पार्टी और एक जिम्मेदार शख्स अपमान है, उसी चीज से तो बचाने की कोशिश है। माधुरी जी बात समझिए, उन्हीं तत्वों से बचाने की कोशिश है कि जो वादे बीजेपी ने हमसे किए थे 1914 में आने से पहले, 2014 में आने से पहले, उन वादों के ऊपर खरा उतरती नहीं नजर आ रही है बीजेपी। हमने जो विश्वास जताया था जनता ने बीजेपी के प्रति,
उन वादों पे वो खरा नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए ये हिंदू पाकिस्तान ना बन गया उसको बचाने की कोशिश है। ये गौरक्षक इस सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हो जाएगी, आप जिस दिन चाहेंगे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ इस सरकार की उपलब्धियों पर, लेकिन आज आप बताइए क्या ये देश हिंदू पाकिस्तान बनेगा? इस सब चीजों की तरफ जो देश को ढके वोट के लिए सबको सहिष्णु बना दे फिर बोलूंगा मैं। संविधान को बचाने की कोशिश है, इसको आप समझिए। माधुरी पहले दूसरों को चुप तो करें फिर बोलूंगा मैं। सर बोलिए सर जी। देखिए जहां तक शशि थरूर का विषय है तो शशि थरूर को तो संभवतः पाकिस्तान की याद इसलिए आ रही है क्योंकि सुनंदा पुष्कर के केस में अलाइड इन्वॉल्वमेंट के चलते वे संभवतः अपनी तथाकथित जो पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड हैं उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। परंतु एक बात और भी है कि हमें ये इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस में चेहरा कुछ और होता है, वो मुकुटा कुछ और होता है, वो कांग्रेस पार्टी का जो है वो बड़ा अंतरंग संबंध है पाकिस्तान से से नहीं बहुत पहले से। आप देखिए कि यूएनएससी की जैसे ही कश्मीर के ऊपर झूठी रिपोर्ट आती है, भारत विरोधी रिपोर्ट आती है, जो कांग्रेस पार्टी के गुलाम है वो भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उनका समर्थन और कोई नहीं करता, खुद हाफिज सईद करता है, एंकर रोकती नहीं है बिल्कुल भी। आप सैफुद्दीन सोज की आराम से गलत बात को तो रोक दीजिए ना। सैफुद्दीन सैफुद्दीन सोज मुशर्रफ के साथ खड़े रहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो टू नेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं जिसको बनाने वाला तो और कोई नहीं स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना है। मणिशंकर अय्यर जो है राहुल गांधी के डाल देते हैं, पाकिस्तान में करवा देते हैं है कि आप मोदी को हटाओ, और इन सब के पप्पा जो है जवाहरलाल नेहरू उनका चरित्र क्या था आप देखिए। एक मिनट ना सर जी, मैंने आपको भी नहीं टोका था मैं अपनी जैसे बात को सुन रहा हूं का इस्तेमाल आपके जैसे बात से सुन। अच्छा फिर ठीक है, फिर आप देश के लिए हिंदू पाकिस्तान कह दें वो सबसे बड़ा अपमान नहीं है? मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। किसका उदाहरण दे रहे हैं आप? तय करेंगे क्या जिन लोगों ने 52 साल तक तय करेंगे? अरे क्यों नहीं तय करेंगे? मेरे देश में हिंदू पाकिस्तान लोग हिंदू पाकिस्तान कह रहे हैं आप। आपको नहीं बोला जाए, आप साल तक आप नहीं बोला जाए, आप सब को सब जगह आप टोका टोकी कर लेंगे, लेकिन आपने क्या समझ रखा है? सबको यहाँ देश में 125 करोड़ हिंदुस्तानी है, आप उनको पाकिस्तानी बताओगे? भाई पाकिस्तानी बता दिया, हिंदुओं का अपमान हो गया, आप उनको पाकिस्तानी बताओगे? देश को आप भारत की तुलना पाकिस्तान से करोगे? देश को बरगलाते मोदी जी केरल की तुलना सोमालिया से करते हैं, माफी मांगेंगे बीजेपी के प्रवक्ता? आप मोदी जी ने केरल की तुलना माधुरी जी, मैंने शुरू में ही कहा कि इस तरह की शब्दावली और पाकिस्तान से तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन क्या मोदी जी आप केरल की तुलना पार्टी की ओर से माफी मांगने के लिए कहा? आप राहुल गांधी की ओर से माफी मांगने के लिए केरल माफी मांगी है देश की जनता से, देश की जनता से मोदी जी आप माफी मांगी है पहले इस बयान के लिए? मोदी जी माफी मांगेंगे, शशि थरूर के जिन्होंने आर्मी का अफसर बदनाम आर्मी का अपमान किया, मोदी जी माफी मांगेंगे। आईएसआई जब जांच करने आई मोदी जी माफी मांगेंगे। आतिकुर रहमान साहब मुझे बताइए सर, क्या कांग्रेस हिंदू हित से डरती है? गजब है भाई, हिंदू हित और मुस्लिम हित सब मतलब कमाल के सवाल है। पूछिए पूछिए खैर अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम आतिकुर रहमान देश में बता रहा हूँ, यूपी के एमएलए ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो ये हिंदुस्तान मुस्लिम हिंदुस्तान बन जाएगा, उसकी तुलना आप कर लीजिए शशि थरूर के स्टेटमेंट से। किसने बोला सर? बाकी जो एमएलए यूपी के झूठ बोलने के लिए आए हो क्या? गिरिराज सिंह जी आप बैठ कर केवल झूठ बोलते हो क्या? हेगड़े जी कहां के स्वामी को इसका बोल रहा कर लीजिए स्टेटमेंट से। आप अपनी बात दोहराइए क्या? आप इस कमर कमाने लायक भी नहीं है इसी स्थिति में। नहीं नहीं पटाखे छूटे, आप झूठ बोल मत बोला कीजिए। अमित शाह ने कहा था पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, तो अमित शाह ने कहा था कि नहीं कहा था? अमित शाह जी से माफी के लिए कहेंगे माधुरी जी? नहीं कहेंगे, फटाके तो फूटेंगे मतलब ही नहीं। क्योंकि आप आपके बयान पर जब वहां का आतंकवादी सरगना उसका समर्थन करता है और कहता है कि गुलाम नबी साहब जो बोल रहे हैं देश के हालात ये वहां पर हाफिज सईद करता है,
जब आप हिंदू आतंकवादी कहते हैं तब हाफिज साहिद उसकी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है। आप मनीष साहब हम तो कहेंगे आपको, आप लोग तो आतंकवादियों को छोड़ कर कम से कम आप तो बात मत करो। पहले हिंदू आतंकवाद, अब हिंदू पाकिस्तान, इसी से जीत जाएंगे, इसी से जीत जाएंगे चुनाव। मणि जी हिंदू स्कॉलर है काफी बड़े, बताइए बताइए। शशि थरूर के भी सबसे ज्यादा बड़े जानकार आप ही अंदर सेक्रेटरी रहते हुए, गजब है। भाजपा कैसे कैसे लोगों को मोहरा बनाती है। कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप मैं तो पूछ रहा हूं उनसे, पहले माफी मांगे मणि जी पहले माफी मांगे। अरे किस बात की माफी, मणि जी ने जो कहा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर गुलाम नबी जी ने स्टेटमेंट दिया झूठ बोला, या अपने शब्द वापस ले। मणि जी को कंप्लीट कर लीजिए सर, मैंने कहा ना माफी मांगवाइए पहले। मेरा सवाल सर, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुन लीजिए फिर आप सवाल करें। मैं कोई माफी, मैं आप बीजेपी में नहीं मांगती माफी, आप आधार पे बोलता हूं मैं। और दूसरी बात, अगर आप सभ्य आदमी हैं, अगर आप शरीफ और सभ्यता में विश्वास रखते हैं तो बीच में मत बोले। अरे साहब, मेहर साहब, आप सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे? सारी उम्र सरकार के काम करके जब वहां पर कुछ हुआ तो भाई कैसे बात करते हैं ब्यूरोक्रेट से सर। अरे बाप, कैसे बात कर रहे हैं, आपकी बात करने का तरीका सही तरीका है मेरा? जो आदमी भाजपा की बात करेगा और झूठ बोलेगा, जो आदमी झूठ बोलेगा, जो आदमी यहाँ झूठ बोलेगा, जरूर बोलेगा। ये कांग्रेस का अहंकार है, आप ये तानाशाही कहें तो आप इनको नहीं रोक रहेगा। भाजपा का झूठी बातें रखेगा, भाजपा के पक्ष में तो जरूर बोलूंगा मैं, और माफी भी मंगवाऊंगा आपका अहंकार, और मंगवाऊंगा अपने शब्द वापस। मानसिकता है आपकी। दिनेश राष्ट्र ने मेरे साथ जुड़ गए सर, मुझे बताइए। मेरी बात पूरी नहीं, मणि साहब पहले माफी मांगे उसके बाद बात सुनेंगे। क्या जी न्यूज का PCR दिखाए जो मणि साहब ने कहा है? भाजपा के बहुत सारे मुखपत्र बैठे हैं, चिल्लाइए मत, शांति से सुनिए बात। आपके हित में बात नहीं करें वो हर आदमी भाजपा का हो जाता है। मुझे आपके हित में जो बात ना हो वो आपकी, आप हर इलेक्ट ये करते हैं केवल बताइए। गुलाम आप मुझे कह रहे हैं, आप मेरे सारे गेस्ट को कह रहे हैं चुप हो जाइए एक मिनट के लिए। गुलाम नबी आजाद पॉलिटिकल पार्टीज की कई पॉलिटिकल लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज किया, हनी ट्रैप किया है। मेहर तरार और शशि थरूर का लिंक सामने आया, और ये जो नरेशन है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ISI का स्टेटमेंट है और कहीं का स्टेटमेंट। तो FIR करके जांच करवाइए ना, अगर हनी ट्रैप में कोई हमारा सांसद फंसा है। इसका का आशंका है, पकौड़े तल रही है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से मैं दरखास्त करता हूँ इस चीज का पूरा पूरा। नहीं नहीं, सांसद हनी ट्रैप में फंस रहा है, भाजपा की सरकार पकौड़े तल रही है। आई वांट अ फुल इन्वेस्टिगेशन, आई वांट अ सांसद हनी ट्रैप में फंस रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी बता रहे हैं, और सरकार चुप रहे हैं। गजब है, और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है, और माधुरी जी सवाल डिमांड है, अंडर सेक्रेटरी आपकी सरकार देती है सर, आपकी सरकार किसी की नहीं होती, सरकार हिंदुस्तान की होती है। अच्छा, आज याद आ गया सर, आज याद आ गया इनको केके शर्मा, आज भी सरकार हिंदुस्तान की है, आज भी सरकार हिंदुस्तान की है। अगर आपको लगता है कि मैं मुखपत्र हूं तो फिर हिंदुस्तान का मुखपत्र हूं, आपके लिए नहीं कहा, आपने मुझे भी कहा, आपने मुझ पे आरोप लगाया, मणि जी को आपने मुझ पे आरोप लगाया, अपनी गाड़ी में चलते वाली बात हो गई, अब हमेशा यही करते हैं केके शर्मा आंसर और वाली बात हो गई। मैंने आपके लिए बात सुनूंगा, मुझे केवल ये बताओ भाजपा से पूरे एक घंटे में कोई एक सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछा? आपने नहीं पूछा, आपकी हिम्मत नहीं, बोलने तो दे, मेरे तो नहीं आई भाई। मणि साहब एक पूर्व अधिकारी है, एक सांसद हनी ट्रैप में है, भाजपा सरकार का जवाब दीजिए, नहीं करेंगे। मैं केवल आपको इतना कह दूं, जो बात मैंने शुरू में कही कि ये कांग्रेस की सोची समझी स्क्रिप्ट है। मैं आपको बताऊं, आज सारे समाचार पत्रों में छपा है,
कल राहुल गांधी ने उस अंदर जो सेक्रेट मीटिंग हुई उसके अंदर इन्होंने स्वीकारा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी हम मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं, हम मुस्लिम तुष्टिकरण के सिद्धांतों से भटक गए हैं, हमको फिर से मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जाना है। आज ये जो बयान आया है, ये कली जो बयान आया, ये मुस्लिम तुष्टिकरण और पूरी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए आया है और ये मुसलमानों को फिर से तुष्टिकरण करके हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदुओं का विरोध करने के लिए ये बयानबाजी चालू की है। मैं समझता हूँ कि सचिन का ये बयान हिंदू भी हिंदू विरोधी है। सांप्रदायिक सियासत ना बहुत भारी पड़ेगी सर आपको, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, नहीं आपने आप शांत हो जाइए सर, मैं उठ के चला जाता हूँ। आप हर डिबेट से उठ के चले जाते हैं ना, आप हर डिबेट से उठ के चले जाते हैं ना सर, आपने एजेंडा लेके। अच्छा मैं अभी तो आपको मैं और मेरे पास तो बहुत फैक्ट्स हैं सर, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही थी, मैं तो आपको। अरे आप कौन होते मुझे सवाल, मैं किससे पूछूं, आप कैसे जा सकते हैं सर, आप बैठिए मैं आपको बताती हूँ ना, मेरे पास बहुत से फैक्ट्स हैं, आप बैठिए ना, आप बैठिए ना, आप बैठिए सर, आप बैठिए, आप एजेंडा चलाइए, हम नहीं बैठेंगे। हिम्मत है तो बैठिए, मेरे अंदर हिम्मत है लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है भाजपा से एक सवाल पूछने, आप भाजपा से एक सवाल नहीं पूछ सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। बैठ जाइए, आप पूछिए ना सवाल से, एक सवाल नहीं पूछ सकते, ये रिक्वेस्ट का तरीका नहीं है, ये भाजपा की भाषा है सर, बैठ जाइए, भाजपा की भाषा। अरे सर आप मेरे पे कितना आरोप लगाएंगे, मैं चार बार आरोप लगाऊं, आप मेरे पे क्यों आरोप लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, भाजपा के मुखपत्र की तरह बात सुन नहीं रहे, आप एजेंडा लेके बैठ, चलिए 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 बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, सर बैठ जाइए, आपके अंदर भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इसलिए नहीं बैठेंगे। क्या क्या चाहते हैं, नहीं पूछ सकते आप। अच्छा आप बैठ जाइए, मनीष आपने कहा अभी कि वहां पर हनी ट्रैप है, भाजपा से सवाल पूछिए, नहीं पूछ सकते आप, बैठ जाइए सर, नहीं आप पूछिए मैं जा रहा हूँ। अरे बैठिए तो, अरे बैठिए तो सही सर, आप डिबेट करेंगे कैसे, आप हर डिबेट से चले जाएंगे तो कैसे, आप अपना पक्ष ही नहीं रखना चाहते, आप हर हर शो में आप हर गैस के बीच में बोलेंगे सर, आप बैठेंगे तो जवाब सवाल होगा ना, बैठेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अरे सर आप मेरे पे हमेशा आरोप लगाइए और आप लगाते रहिए, चलिए आपकी ये बात भी मैंने सुन ली, खैर आगे मैं बढ़ती हूँ सर, वाशने साहब के पास मैं आऊंगी, वाशने साहब से मेरी बात करवाइए सर, मुझे बताइए हिंदू पाकिस्तान से क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं, येचुरी साहब कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान तो मैंने दिया था सबसे पहले, ये शब्द माधुरी जी आप तीन बार मेरा नाम लेके वापिस चली गई दूसरों की गेस्टों पे, या अगर आप इजाजत दें तब तो मैं बोलूं सर, सर इट्स माय रिक्वेस्ट सर, कंप्लीट योर सेंटेंस सर, जैसा आप कहेंगी वैसा मैं कर लूंगा। मेरा ये मानना है कि इसको एक परिपेक्ष में देखिए, अगर अति धर्म की अतिवादिता या धर्म की राजनीति के आधार पे किसी को देश को चलाने या देश को बनाने की बात की जाती है उस संदर्भ में इसको देखना होगा, और इस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कह दे, ये के शर्मा जी ये कह दे कि साहब हम बंच ऑफ थॉट को इतिहास के कचड़े दान में डाल रहे हैं, हम बंच ऑफ थॉट को नहीं मानते, हम चतुर्वर्ण राजनीति को नहीं मानते, हम वैदिक व्यवस्था में चतुर्वर्ण को नहीं मानते, ये आज कह दें हमने इसको फेंक दिया। और ये भी बता दें कि क्या जो दलित हैं, जो हिंदू धर्म में मेजॉरिटी हैं, उन पे सबसे बड़े आक्रमण किसने किए, जैन सेना ने किस किस गौ रक्षकों को माला पहनाई, इनका आनंद कुमार हेगड़े क्या कहता है मैं संविधान बदल दूंगा, गौरी लंकेश की हत्या करने पे इनका एक एमएलए सेलिब्रेट करता है और वो कहता है कि जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो हिंदूवाद के खिलाफ बोलेगा, हिंदू राज के खिलाफ बोलेगा, उसकी यही हालत होगी। ये इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं, क्या कोई धर्म या धार्मिक नेता या धर्म या भगवान या चलिए वास्तव साहब मैंने आपकी पूरी बात सुन ली और इस पे मैं जवाब भी लूं, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयान की वजह से सुर्खियों में है इस वक्त, बड़ी खबर मैं बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि देश का मुस्लिम तबका कमजोर है, कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी और राहुल ने कहा है कि 2019 में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने का प्रण दिया जाएगा। एक उर्दू अखबार की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकलाब एक उर्दू अखबार, इस अखबार में
इस बैठक के बारे में लिखा गया है। राहुल गांधी के साथ हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की इस बैठक में जेट के फैजान, फरा नकवी, इलियास मलिक और डॉक्टर अशरफ समेत कई बड़े हस्ते शामिल हुई। ये अखबार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक उर्दू अखबार है इनकलाब। इसमें बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उर्दू अखबार इनकलाब में राहुल गांधी ने बुद्धिजीवियों, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात के बाद यह भरोसा दिया कि मुस्लिम कमजोर हैं और कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। और यह भी मान लिया कि 2019 में कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए प्रण भी लिया। इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव अफसर आलम बने हुए। अफसर, क्या ये पूरा माजरा समझा दीजिए। मान लिया गया कि हाँ मुस्लिम पार्टी है, समझाएंगे मुझे प्लीज। वो अखबार का पेपर मेरे पास भी है सर, उर्दू अखबार है, एक इनकलाब है, उसमें दिया गया है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। हाँ, कांग्रेस सदर राहुल गांधी मुस्लिम दानिशों के साथ जो बैठे हुए हैं, दौरान गुफ्तगु में कहा कि 2019 में हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को इख्तदार में नहीं आने देंगे। शिवसेना के साथ इत्तेहाद का मतलब हमारा कत्ल, साफ तौर पे राहुल गांधी का उस दौरान ये बयान था। प्रोफेसर इरफान हबीब, फरह नकवी, इलियास मलिक, जेड के फैजान, डॉक्टर अशरफ समेत कई अहम शख्सियात शरीक हुए थे उसमें। इल्जामात की फरामोश करते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है सर, अफसर मैं जुड़ूंगी आपके पास, मेरे पास वक्त कम है, आप मुझे रिएक्शन दीजिए सर इस पे। आलोक शर्मा जी, देखिए मैं समझता हूँ अखबार की कोई टिप्पणी है सर, उन्होंने कहा है टिप्पणी अखबार में छपी है जो राहुल जी ने कहा है। अरे सुनिए ना मैडम, अभी 10 चीजें तो यहीं पर हम झूठ बोल के सुन के आ रहे हैं यहाँ पर। सर ये इंकलाब अखबार है, इसने कोट किया है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने क्या कहा। अरे मैडम सुन तो लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा है कि मुस्लिम्स हमारे साथ हैं, मुस्लिम्स की पार्टी है। उन्होंने साफ कहा है कि मुस्लिम कमजोर हैं, हम कमजोर के साथ, इसमें क्या गलत है? मुस्लिम की पार्टी है, जहां तक आपका अखबार का कोट है, हमारे साथ सब हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सब कहां है सर? हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। के शर्मा जी, मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी की स्टेटमेंट यहाँ पर कोट की है किसी ने। सर कोट की है सर, गलत है, कोट किया है। ऐसा राहुल गांधी जी कभी नहीं कह सकते। आशंका नहीं, बिल्कुल आप मुझे बताइए, मुझे केवल बताइए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिमों की पार्टी, आप देख लीजिएगा छोटे मोटे अखबार की इस तरह से आप कटिंग चला रहे हैं, किसी को बदनाम करके एजेंडा चला रहे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अरे एक मिनट सर, के शर्मा जी प्लीज आंसर आलोक जी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वैष्णो जी अभी कह रहे थे धर्म आधारित पार्टी, आप वामपंथी वैष्णो साहब बताइए, अब आपका आपके उत्तर चाहता हूं मैं, कौन है धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी? परवेश वर्मा ने, ये कांग्रेस की पार्टी, ये सांप्रदायिक पार्टी, ये है सांप्रदायिक पार्टी, इनका जो है असली चेहरा है, ये इनका असली चेहरा है। हसरा साहब, आप इनके मस्तिष्क है, आप वामपंथी इनके मस्तिष्क है, इनकी तो कोई विचारधारा इस देश में नहीं है। आप वामपंथियों की विचारधाराओं पर कांग्रेस ने राजनीति किया है और आप लोगों ने इस देश के अंदर ये धर्म की राजनीति पैदा की है और आरोप लगाते हैं हम पर, यह देश 500 वर्ष पुरानी संस्कृति का देश। गुजरात कर्नाटक चुनाव में माधुरी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात कर्नाटक चुनाव में मंदिर जाते हैं, आधारित जाते हैं और फिर मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि हम तस्वीर नहीं दिखाते। क्या उधारी कार्ड, आज मुस्लिम कार्ड, क्या बीजेपी के एक सांसद ने ये नहीं कहा पिछले यूपी के चुनाव में कहा मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए? पिछले कई बातें याद दिला दीजिए मुझे, कहा जवाब दीजिए मुझे, केवल ये बताइए राहुल गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने ये कहा हो कि आप मान रहे अगर ये गलत छपा है तो आप केस करेंगे, आपको लगता है केस करेंगे? अगर ये शब्द है, मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, मैं भी उर्दू नहीं जानती, इसलिए मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन मंगवाया, दिखा दू, सुन तो लीजिए, ये मेरी हिंदी ट्रांसलेशन, अगर इसमें ये छपा है, इसमें कोट किया गया, सुन तो लीजिए ना आप मैम, अगर ये छपा है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, हम इसके ऊपर जरूर केस करेंगे, पहली चीज सुन लीजिए मेरी बात आप,
दूसरी चीज मुझे बताइए कि एक सांसद ये कहता है कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, सर मुझे तो आज की बता कौन है, जरा उत्तर दे दीजिए। ये कौन सी बात हुई कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? नहीं है ना ऐसा, ये कोई स्टेटमेंट नहीं। मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तस्वीर डालते हैं, मुझे जनेऊ धारी को कार्ड खेल देंगे, आज मुस्लिम कार्ड खेल देंगे, सर क्या चल रहा है? बिल्कुल गलत, आज हिंदू पाकिस्तान खेल देंगे, उसके पीछे आ जाएंगे। माधुरी ब्रेक के लिए।